असलकुम लूस्टौक के साथ अनवर मकसूद आपकी ख़िदमत में जब लोग टेलीविज़न पर आते हैं और वो बात करते हैं टेलीविज़न देखने वालों से तो कहते हैं नाजरीन जब लोग शहर में गुज़रते हैं तो कहते हैं नाजमीन नाजिम आजकल हर शहर में नाजिम बहुत पावरफुल है एक तो सिटी नाजिम होता है और फिर हर इलाक़े का अपना एक अलग नाजिम होता है तो आज हमारी खुशनसीबी कि कराची बहुत बड़ा शहर है एक सौ चालीस लाख आदमी रहते हैं एक करोड़ चालीस लाख मगर मजबूरी है कि ये गिनने में मुश्किल होती है हुकूमत को कि कराची में कितने आदमी रहते हैं मगर जब से नाजिम आए हैं कराची में तो लोग कह रहे हैं कि बाक़ी ये एक बड़ा शहर है हर इलाक़े का अपना नाजिम है तो आज हमारे मेहमान भी कराची के एक इलाक़े के नाज़िम हैं तो आइए मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि नाजिम है क्या सलाकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का बहुत शुक्र है करम है आप सुनाइए आपके मिजाज बखैर हैं जी नवाजिश बहुत शुक्रिया बहुत इज़्ज़त अज़ाई के आपने इस प्रोग्राम में दावत दी काफ़ी दिनों से अहवाल अहल कह रहे थे कि आपको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए बहुत शुक्रिया मुझे भी बहुत खुशी है आज जी कि एक नाजिम जिसके पास बहुत पावर है जी और जिसको सरकार ने एक मजबूत इंसान बना दिया है जी हाँ जी हाँ ये तो आपने बिल्कुल डिप्टी वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स होते थे जी हाँ, वो अब सब खत्म हो गए जी हाँ और उनकी जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई है उन्होंने बहुत लूट मचा रखी थी ऐसी बात मत करें जी हाँ ये एक सिस्टम होता है जी और एक डीसी की जो इम्पोर्टेंस थी थी रही होगी अब देखिए मैं अर्ज करूँ आपसे सिस्टम तब्दील हो गया माजी को भूलिए और नए सिस्टम पे बात कीजिए नाज नाजमीन के सिस्टम पे बात कीजिए मौजूदा सिस्टम पे बात कीजिए कौन क्या था किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी कैसा मैनेजमेंट किया ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं बात निकलेगी तो फिर बिलावे बहुत सारे तो आप नाजिम पर रहिए नाजिम की बात कीजिए मैंने तो बुलाई ही आपको आज बहुत शुक्रिया मैंने शुक्रिया अदा कर दिया ना आपका सर चलिए एक बहुत छोटा सवाल करता हूँ आपसे मैं जी नाजिम का मतलब क्या है <laughs> देखिए बहुत उम्दा सवाल आपने किया है यानी वाह खुदा आपसे अर्ज करूँ कि ख़याल ही नहीं कभी जहन उस तरफ गया ही नहीं आपने बहुत अजीब माशा बहुत अच्छा सवाल किया है कि नाज़िम का मतलब क्या है नाज़िम का मतलब क्या है हाँ सर मेरा प्रोग्राम मैं मैं अर्श कर मैं अर्ज़ करूँ देखिए जब टेलीविजन के ऊपर नाजमीन आते हैं या सियासतदान आते हैं बहुत संभाल के बोलना पड़ता है ये समझ लीजिए देखिए नाजिम नाजिम का मतलब है मैं क्या क्या मतलब नाजिम का देखिए क्या जो है वो सख्त लफ्ज है आप कहिए जी नाजिम का मतलब है मैं मीन आई नहीं नाजिम का मतलब मैं नहीं होता नाजिम का मतलब मैं कह रहा हूं ना आपसे नाजिम का मतलब मैं मैं आपसे नाजिम का मतलब पूछ रहा हूं कि लाजिम, नाजिम के माने क्या है हाँ बहुत उमदा सवाल है कि नाजिम का मतलब क्या है देखिए असल में जब मैं इलेक्ट हो गया हूं जब मैं नाजिम बन गया हूं तो फिर इस रफ्त में जाने की क्या ज़रूरत है कि नाजिम का मतलब क्या है और मैं एक अर्ज़ करूं कि मैं नाजिम भी पढ़ा लिखा हूँ आई एम एन एजुकेटेड नाजिमन जवाब मिल गया होगा आपको नहीं जवाब नहीं मिला मुझे क्या मतलब जैसे इम्तहान में सवाल आता है जी कि नहीं आप मुझे सिर्फ एक बात जोग्राफी का मतलब एक, क्या है एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाजिम का मतलब क्या है अच्छा अब सवाल यहाँ मेरा भी एक आता है जी वो ये है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं हैं या आप मेरी तफ्तीश कर रहे हैं ये बताइए तफ्तीश तो मैं आपकी कर नहीं सकता फिर जब मैंने अर्ज़ किया ना मैं आपका इम्तहान ले रहा हूँ जी मैंने एक सादा सा छोटा सवाल किया है कि आप नाजिम हैं और मैंने कितने सहल तरीके से आपको जवाब दिया पहला मेरा जवाब था नाजिम का मतलब मैं आ मुझे बड़ी खुद बहुत खुशी हुई बहुत अरसे बाद कि नाजिम का मतलब मैं और जब मैं नाजिम सेलेक्ट हो गया हूँ जब सब मुझे नाजिम कहते हैं उर्दू हमारी कौमी जबान है उर्दू का लफ्ज़ एक है नाजिम जी मैं आपसे उस लफ्स के लुत के लुत में नाजिम का मतलब क्या है प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन नंबर है आपके पास मिलाइए उनको और उनसे पूछिए कि नाजिम कितना पावरफुल है तब आपको पता चलेगा बात करते हैं आप लोग आपको पावर का पता नहीं है नाजिम की नाजिम किस कदर पावरफुल है इसका आपको अंदाजा नहीं है मेरा तो ये ख्याल है आप बदलें अपने आप को बदल लें अपने आप को आप जो कुछ कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ मुझे आप नाजिम का मतलब बताएं अच्छा एक काम करते हैं जी मखसे में डाल दिया है आपने देखिए काम करते हैं आ, शाम को आप फार हैं खाना खाएंगे मेरे घर पर खाना खाइए वाखुदा दो मुखालिफ़ सियासी पार्टियाँ हैं खाना पका के अपने घर से लेकर आ रही हैं एक पार्टी ला रही है वो पाए और दूसरी पार्टी ने उसमें डाला है वोंग और मसाला तीसरी पार्टी का है ऐसा लुत्फ़ रहेगा बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी क्या ख्याल है देखिए मैं इस तरह दावत हर एक को लल्लू पंजीओं को नहीं देता लेकिन आप चूँकि आपका एक कैलिवर है तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ आपसे बात होती रहेगी मिलते हैं एक और वादे के बाद आप अजीब इंसान हैं क्या हुआ आप नाजिम हैं हाँ और आपको नाजिम का मतलब नहीं मालूम मेरा ख्याल है आपने आपने सवाल जो है आ, सवाल की तैयारी आपकी ठीक नहीं है क्या यही एक सवाल है आपके पास खैर छोड़िए मुझे एक बात बताइए आपका सवाल बदस्तूर है कि नाजिम का मतलब क्या है आप सिर्फ नाजिम का मतलब दें मैं हेल्पलाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ आप करोड़पति में नहीं आए अरे नहीं साहब एक मिनट ठहरिए देखिए ये अगर मैंने इस पर फ़ोन कर दिया प्रेसिडेंट साहब को और अगर उन्होंने ये फ़ोन उठा लिया और आप तक बात पहुंची आप जब उनसे नाजिम का मतलब पूछेंगे तो जो आपको बताएंगे तो आपके कान से धुआं निकलने नाज़िम कोई मामूली चीज नहीं है। कान का तो Please आपने कान understand. तो आपने तकल्लूफान का है आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त धुआं कहां-कहां से निकल रहा है कि मैंने एक नाज़िम को बुलाया है जी और उसको नाज़िम का मतलब नहीं पता आप देखिएगा आपने बार-बार प्रेसिडेंट साहब का नाम नहीं लिए प्रेसिडेंट साहब को और भी काम है जी वो बहुत अच्छे इंसान हैं मगर ये कि आप नहीं तो एक वजीर को बदल दिया देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी अपने आप को बदल लीजिए देखिए आप मुझे बदल नहीं सकते आप मुझे बंद कर सक कर देंगे इस प्रोग्राम के बाद इन देंगे जो मर्जी आए आप मेरे साथ वो करें करें मगर मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा अब यह कोई ते... दूसरा सवाल नहीं है तिरफ मतलब माफ़ कीजिए मतलब कोई आपके पास दूसरा सवाल नहीं है आपने तैयार किया देखिए सिर्फ एक ही सवाल तैयार किया परेशानी में आदमी तहजीब के दायरे में आ जाता है जी अगर आप परेशानी में तहजीब के दायरे से बाहर निकल बाहर निकल गए जी हाँ ये नहीं मैं कह रहा था कि आपने सिर्फ एक ही सवाल तैयार किया है नहीं सवाल बहुत है तो दूसरा सवाल कीजिए मगर मुझे पहले सवाल का जवाब मिल जाए क्या कि नाजिम का मतलब क्या है नाजिम <laughs> <laughs> देखिए पूरा इलाका मुझे प्यार से नाजिम नाजिम भाई नाजिम मियाँ नाजिम बेटे नाजिम साहब नाज़ो इस तरह प्यार से कहते हैं अब इससे बड़ी और क्या तारीफ़ हो सकती है नाजिम की के इलाक़े के बच्चे बच्चे गटर बंद है तो नाजिम भाई सड़क टूटी हुई है तो नाजिम अंकल और कहीं से कुछ रुकावट है नाजिम चाचा किस क़दर भला लगता है कान को वजाहत हो गई अगर, तो अगर इजाज़त हो जी तो मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता अगर इजाज़त दो तो मैं एक बहुत छोटी सी फरमाइश करना चाहता हूँ नहीं पहले मेरा सवाल सुनिए मैं सवाल तो सुन ही रहा हूँ आपको फिरनी पसंद है क्या, क्या, क्या फिरनी फिरनी हाय। छोटी सी चीज़ होती है वो जो काबुक नहीं होता छोटा सा उसके अंदर हाँ 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 बड़ा लुत्फ़ आता है अगर आपको फिरनी पसंद है चलिए मेरे साथ घर आपको फिरनी की दावत कराते हैं नहीं नहीं मगर इस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा अच्छा छोटा सा सवाल कर सकता हूँ वही नाजिम का मतलब क्या है यही ना बहुत सही है आ, अच्छा, नाजिम का मतलब, मतलब क्या, क्या है? है हाँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ किससे बात करेंगे आ, अपने बड़े भाई से क्या नाम है काज़िम भाई से जी हाँ बहुत काबिल आदमी है वर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के फास रहा करते थे बहुत हैं नंबर क्या है जीरो थ्री डबल जीरो डबल टू डबल एट टू फोर फाइव नाम क्या है काजिम बता दिया ना आपको काजिम जी हाँ प्यार से बात कीजिएगा बहुत गसैैल हैं काजिम साहब तशरीफ रखते हैं हाँ, जी जी काजिम साहब मैं लू स्टॉक से अनुरमकूद बात कर रहा हूँ बहुत खुश होंगे बात करें बात करें बहुत खुश होते हैं आपसे इस वक्त आपके भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं नाजिम जो है आपके इलाके के जी आपके इलाके के नहीं दूसरे इलाके दूसरे इलाके के जी जी मैंने उनसे एक सवाल किया था हाँ. कि नाजिम का मतलब क्या है जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नाजिम का मतलब क्या है टाइम बता दीजिए कितना है तीस सेकेंड है आपके हाँ, पास हाँ ये ले बात करें उनसे शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम काजम भाई पच्चीस सेकेंड पच्चीस सेकेंड है नहीं आपसे नहीं कर रहा हूँ अच्छा ये बताइए कि नाजिम का मतलब क्या है बीस सेकेंड जहन पर जोर दीजिए काजिम भाई ख़ुदा के वास्ते खुदा के वास्ते नाजिम का मतलब क्या है दस सेकेंड कन्फर्म <laughs> है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया टाइम भी शायद ख़त्म ही हो रहा है हाँ बहुत शुक्रिया भाई जान बहुत शुक्रिया <laughs> हो गया जी <जीवा। laughs> देखिए भाई जान ने वो टेलीफोन कौन सा वो मेरा अच्छा आपका था एक अच्छा एक ही जैसा है तकरीबन सुनिए काजिम भाईजान ने एक हमें बात बताई और इस कदर प्यार आ रहा है उन पर उन्होंने कहा कि एक शख्स को जब बहुत सारे लोग मिल के प्यार से जब सेलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं नाज़िम ये है नाज़िम का मतलब असल में इस मुल्क में जहालत बहुत आम हो गई है लोग वक्त बहुत ज़ाया करते हैं लोगों को वक्त की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा ही नहीं है अनवर अब आप देखिए आपने पूरा आधा प्रोग्राम महज एक छोटी सी बात पर बर्बाद कर दिया आधा वक्त के खैर छोड़ लिए आप मुझसे सड़कों पर बात करते हैं आप मुझसे फूलों पर बात करते हैं आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में आप पूछते कि नाजिम का क्या किरदार होना चाहिए आपने सिर्फ़ इसमें एक वो निकाल लिया पूरा एक घंटा ज़ाया कर दिया कि नाजिम का मतलब क्या है हो गई तसल्ली आपकी आपके अरमान ठंडे हुए या नहीं जिसको लोग सिलेक्ट करते हैं उसे लोग प्यार जैसे लोग प्यार से सिलेक्ट से करते हैं उसको नाजिम कहते हैं नाजिम कहते हैं या आपके भाई ने मतलब बताया जी काजिम भाई काजिम भाई ने क्या वो भी नाजिम है जी हाँ वो दूसरे इलाके के <laughs> नाजिम का मतलब है इंतज़ाम करने वाला मुंतजम कारकुन अच्छा डिप्टी कमिश्नर और गवर्नर को भी नाजिम कहते हैं अच्छा अच्छा लेकिन ये बहुत बैकवर्ड बातें हैं या पुराने दस्तूर की बात कर रहे हैं नया जवान आप है। बहुत तेज इंसान लग रहे हैं मुझको कि एक तो आपकी चाशनी बात करने में इतनी है कि दूसरा आदमी बिलावज शर्मिंदा होता है कि वो किससे बात कर रहे हैं देखिए देखिए ऐसा नहीं है आप जो बात कर रहे हैं ना कि इन लोगों को अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो आपकी हाँ। टोन बदले या आप इतनी ऐसी मतलब जैसे कि शर्मिंदा कर रहे हैं दूसरे को उस टोन में आप उससे बात कर रहे हैं देखिए आप खुद गिल्टी हैं हम तो जो हैं आवाम के सामने हैं आप लोग अंदर से कुछ बाहर से कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला खैर अब... क्या ओल्ड मतलब है इसके अंदर हाँ इसका मतलब बता रहा हूँ ये देखिए ये तो आप ब्यूरो पुरानी वाली जो बात कर रहे हैं ना डिप्टी कमिश्नर का जमाना ये अब ये जमाना चेंज हो गया है अब इतने पढ़े लिखे कॉमफेयर को ग्रास रूट का मतलब भी नहीं मालूम है सदर साहब ने भी कहा था ग्रास रूट देखिए ग्रास किसे कहते हैं घास को ठीक है और रूट किसे कहते हैं रास्ते को यानी ये बस फलाने रूट पे जाएगी अबे ये बस अब, माफ कीजिएगा देखिए ग्रास रूट का मतलब है घास का रास्ता अब रूट अब फिर आप फिर क्या कौन सा रूट समझ ओहो मैं समझ गया आप वो जमीन वाला रूट समझ जड़ी जड़े नहीं जड़े नहीं जड़ जड़ ना पकड़े किसी की जड़ में ना बैठे ये एक बहुत बुरी बात है ये मायूब बात है कि मैंने सिर्फ जड़ों की वजह से ही रूट को रास्ता बताया मुझे पता था कि आप जड़ों में बैठ जाते हैं आप आगे बात कीजिए रास्ता बताया आपने जी आपने अपने, अपने इलाके की सड़कें देखी हैं देखिए इसी लिए मैंने आ, अपना मकान किसी दूसरे इलाके में ले लिया है बारिश के बाद जो कुछ यहाँ हुआ है देखिए बारिश जो है वो अल्लाह की नेमत है और नमतुल्ल जो हैं वो सिटी के नाजिम हैं आप उनसे पूछिए ये तो बिल्कुल आपने ला त्लुक सा सवाल किया है मेरे लिए अगर तफड़ है तो उनको यहाँ बुलाइए क्या है मेरे पास तफड़ तफड़ अगर है तो यहाँ बुलाइए और उनसे बात कीजिए मगर आप भी तो नाजिम हैं जी आप भी तो नाजिम हैं हाँ मैं नाजिम हूँ बिल्कुल हूँ बारिश की वजह से सड़क टूटी थी सड़क ठीक होगी अगली बारिश के बाद अच्छा छोड़िए इन तमाम बातों को छोड़ दीजिए नाज़िम बनने के बाद आपने क्या किया हम कुछ करें या ना करें हमें कोई हटा नहीं सकता आप कैसी बात कर रहे हैं इस मुल्क में जब नाज़िमुद्दीन को हटाया जा सकता है बिल्कुल नाज़िमुद्दीन को हटाना जायज था 9 बजे दफ्तर का टाइम था मौसूफ तशीफ लाते थे दोपहर दो बजे हमने उसे निकाल दिया मैं ख्वाजा नजीमुद्दीन की बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के अच्छा उनके बारे में मुझे कोई नहीं शायद हमारी पैदाइश से पहले के रहे होंगे वो आपको ख्वाजा नजीमुद्दीन का पता नहीं जी नहीं आप लोग असल में देखिए जो बातें आप कर रहे हैं इनका तल्लुक हकीकी दुनिया से नहीं है ये मफरूजें हैं हम आपको बताएँ हमारी पावर जो है डिप्टी कमिश्नर के बराबर है मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या किया तुम हो कौन आम शहरी हो तुम्हें एक नाजिम से बात करने की तमीज़ नहीं तुम ऐसा करो हमारी हुकूमत ने चंदा जमा करके तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक तालीमी इदारा खोला है पहले वहाँ जाके तालीम हासिल करो फिर किसी नाजिम का इंटरव्यू करना समझ में आई बात आपने कहाँ तक पढ़ा है हमें चुन लिया गया था और जब चुन लिया गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं बताने की हम कहाँ तक पढ़े हुए हैं देखिए एक बात याद रखिए जब तक मामला ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएगा लोगों को हकीकी जमहूरीत का इल्म नहीं होगा वडेरों जागीरदारों मीरों और इनका जमाना गुजर गया अब हमारा जमाना है खैरियत जमाना किसी का भी हो हा? जाहिलों का जमाना नहीं होना चाहिए कौन जाहिल मैं भा, लगा फिर कही कौन जाहिल मैं कौन जाहिल मैं 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 जब जब आप अपने आप को जाहिल कह रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये माशरा आपको इतना काबिल क्यों कहता है माशरा आपको नाजिम भी तो कहता है वो मुझे किसी और वजह से कहता है मैं सिर्फ एक नाजिम को जानता हूँ जी जो हमारे सिटी नाजिम है जी। बहुत भरे आदमी है जी पढ़े लिखे हैं जी जी तहजीब तमीज़ के हैं, जी हाँ और काम कर रहे हैं वो अच्छा हम भी काम कर रहे हैं क्या काम किया आपने हाँ। क्या काम किया अभी तक देखिए, मैंने पिछले हफ्ते हफ्ता मनाया। किसी दूसरे इलाके से मैंने एक बड़ा सा नीम का दरख्त डेढ़ सौ आदमियों से जड़ से उखड़वा कर एक ट्रक पे रखवा कर ला के अपने इलाके में एक गढ़ा जहाँ था उसे वहाँ गाड़ दिया कि मेरा इलाका चमन लगे सर सब्ज व शाजाव लगे एक दरख्त लगाया आपने डेढ़ सौ आदमी उठा कर लाए थे उसे लगा दिया लोगों को शाबाशी देना चाहिए मुझे कम वक्त के ये सी वाले दूसरे रोज़ सुबह आए और उसे जड़ से उखाड़ के दूसरी जानब रख दिया क्यों मैंने उनसे पूछा क्यों तो कहने लगे कि ये गढ़ा गड़, जो है हमने इलेक्ट्रिक का फोल्ड डालने के लिए खोदा था दरख्त लगाने के लिए नहीं ये है जहालत आलम। नाजाबाद से वो दरख्त आपने क्यों खड़वाया बड़ा दिन का दरख्त। जी मैंने इसलिए वो खड़वाया कि मेरे फूफिया ससर हैं उनके घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने वो दरख्त था तो वो कहते थे कि भाई गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाती मैंने बहुत सोचा कि एक पंथ ऐसा हो जिससे दो काज निकल आए वहाँ से उनकी गाड़ी भी अब अंदर जाने लगी और मेरा इलाका सरसब शादाब नजर आएगा ये सोच थी इसके पीछे हम तो अपने इलाके को बेहतरीन बना रहे हैं अब तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े तनावर खजूर के दरख्त लगाए जाए के दरख की बात, बात, बात करूँ जी ये जो पौधे पौधे लगाए जाते हैं ये बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं छोटे पौधे कहाँ की दुनिया की बात कर रहे हो छोटे पौधे जब तक बड़े होंगे तब तक ना हम रहेंगे ना ये हुकूमत रहेगी तो पौधे ऐसे होने चाहिए जिसका फल सामने ही नज़र आए इसलिए उसको बड़े दरख़ की शक्ल में होना चाहिए कि हम उसके फल खुद देख सकें नाजिम बनने के बाद आपने अपना इलाका क्यों छोड़ दिया हाँ इसलिए कि मेरे इलाके में सड़क पर गढ़े बहुत आते थे अब गाड़ी जब वो चलती थी मसला और कोई नहीं था गढ़ा वॉज नॉट अ प्रॉब्लम मुझे असल में है हरनिया तो उससे मामला पेचीदा हो जाते हैं और फिर हुकूमत ने अचानक ऐलान कर दिया कि आप अपने इलाके से पेचीदा मामला ख़त्म कीजिए आप लोग सड़कें ठीक क्यों नहीं करवाते क्यों करवाएं? इतना अच्छा लगता है अनवर मकसूद जब लोग उन सड़कों पर से गुज़रते हैं और वो हमें याद करते हैं हमें बहुत लुत्फ आता है अरे नाजिम ओहो अरे नाजिम अरे नाजिम आ हाँ अच्छा लगता है मगर किन अल्फाज में याद करते हैं वही जिन अल्फाज में भी याद करें याद तो करते हैं यही बड़ी बात है वरना कौन किसको यहाँ याद करता है कमाल है आजकल आप लोग तमाम मैंने बताया ना बड़े अब हम उसके दरख लगा रहे हैं जी हैं? पुराने दरख कटवा खजूर आप के खजूर के दरख लगवा रहे जी हाँ अमूमन ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों भाई देखिए हम चाहते हैं कि हमारा इलाका लगे कि ये इस्लामी मुमलिकत का एक इलाका है तेल तो पिछले दिनों आपको पता होगा यहाँ बहुत बहुत तेल अब रहेगा खजूर हम भी दूसरे जो इस्लामी मुमलिकत हैं सऊदीया है इनसे क्यों पीछे रहें हम भी दरख लगेंगे लगाएंगे खजूर के और फिर उनमें आएँगे खजूर <coughs> माफ़ कीजिएगा उसे हम करेंगे एक्सपोर्ट जब वो एक्सपोर्ट होगा अनवर साहब तो मैं खुशहाल मुल्क देख रहा हूँ हमारे एक इलाके के ए, नाजिम जो हैं उन्होंने क्या कमाल किया उन्होंने तो खजूर का दरख्त लगने से पहले ही खजूरों को एक्सपोर्ट कर दिया पूछिए कैसे वो कैसे उनको ऑलरेडी खजूर लगे हुए दरख्त मिल गए थे जी हाँ इस तरह की हरकतों से जी कोई बड़ा शहर ठीक नहीं हो सकता अच्छा फिर किस तरह ठीक हो सकता है आप ही बता दीजिए मैं क्या बताऊं अभी आप लोगों ने कराची को लाहौर का जोड़वा शहर दिया करार दिया करार दिया क्यों दिया, दिया? दिया करार दिया देखिए यह अच्छा सवाल है कि क्यों करार दिया अब देखें अब आप गिनते जाइए कराची में गुलबर्ग है जी लाहौर में भी गुलबर्ग है लाहौर में डिफेंस है जी डिफेंस सोसाइटी है कराची में भी डिफेंस सोसाइटी है लाहौर में रावी है हमारे यहाँ लियारी है हैं? लाहौर में शालीमार है लाहौर में शालीमार है हमारे यहाँ गटर बागीचा है तो मैच करके हमने सारा कुछ किया है उस जुड़वा ऐसे ही नहीं हर चीज़ का जुड़ा है बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं। लाए। मैं एक चलते चलते एक कौम के नाम एक पैगाम देना चाहता हूँ इजाज़त बहुत शुक्रिया असलकुम मैं ये कहना चाहता हूं कि इकबाल ने खाब देखा कायद ने ताबीर पेश की पाकिस्तान बना मेरा ताल्लुक इसी वतन से है यहीं पैदा हुआ और यहीं मरूंगा लेकिन बात यह है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए यह है मेरा आप ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है इस वतन की तमीर में जी इस मिट्टी से आपको बहुत मोहब्बत है जी आपने अभी दरख्वास्त की लोगों से कि वो आपकी मदद करें जी तो आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ बहरन में एक जाब निकली है काफ़ी तनख्वाह है अगर कुछ करवा सकें तो आठ नौ साल बहुत सुकून से गुजरेंगे आ जाऊंगा फिर मैं वापस ये वादा है मरूंगा यहीं ये वादा है आऊंगा वहाँ सिर्फ नौकरी के लिए जाऊंगा आठ नौ साल नौकरी की वापस सच्चे पाकिस्तानी हैं जी आप सच्चे पाकिस्तानी हैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच्चे मरेंगे तो पाकिस्तान के लिए हाँ। जिएंगे तो पाकिस्तान के लिए इस मट्टी के लिए आप जान दे देंगे जी इस मुल्क को तामीर करना आपका फ़र्ज़ है बिल्कुल ग्रास रूट से आप आए हैं जी बिल्कुल माशा जी बहन में अगर मैं आपको वीजा दिलवा दूँ तो जॉब कर लें नहीं देखिए मैं अर्ज़ करूँ असल में हम जो है रोजगार हलाल पे यकीन रखते हैं यहाँ इतनी मेहनत करते हैं उसका मुआवजा नहीं मिलता तो ये तो मेरा बुनियादी हक हाँ है कि मैं बाहर जाऊं वहां किफालत करूं अपने खानदान की जाकर आठ नौ साल में इतना पैसा जमा कर लू कि यहां एक छोटा सा घर बना के कारोबार करूं रहूंगा यहीं पाकिस्तान में ये मकसद है मेरी बात को आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिए आपने मोहतरम की बात सुनी मैं क्या कह सकता हूँ इतना ही कहूँगा कि इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़